अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग पर क्षेत्र में पानी भराव के समस्या से निजात पाई गई। यहां प्रधान के आदेश पर क्षेत्र के रोड पर पानी के भराव की निकासी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रधान को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया था, जिस पर प्रधान ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तुरंत ही निर्देशित कर समस्या समाधान को कहा था, जिस पर आज कोटड़ा क्षेत्र के आसपास में पानी भराव वाले स्थानों पर मशीनें पहुंचकर कार्य का संपादन किया व पानी की निकासी की गई, जिससे आने जाने वाले यात्रियों व वाहनों को सहायता सुलभ हो रही। यहां पानी भराव होने से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जगह जगह खड्डे व पानी भराव होने से कई बार वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे थे। ऐसी स्थिति में प्रधान ने तुरंत ही इस कार्य को संपादन करवाया, और जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल लोहार, भाजपा मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह गरासिया, निर्मल कुमार भुमरिया, एबीवीपी जिला कार्यकारिणी सदस्य सहित कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर कार्य को दुरुस्त किया। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई कोटड़ा जिला कार्यकारिणी सदस्य हूं। आज इस बरसात के मौसम में विभिन्न जगह जो पानी भरा रहता है, जैसा कि दंदन सतगुरु स्कूल के आगे सोनरब रोड जाता है, उससे पहले महाविद्यालय जो कॉलेज है वहाँ पर एक नाला है, उसमें पानी भरा रहता है। उपली जोगीवाड़ और इससे जुड़ा, इससे कोटड़ा से जुड़ा जो सड़क है, इसके बीच में जगह जगह खड्डे हैं, तो उसके लिए हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके प्रधान पंचायत समिति श्रीमती सुगना बाई को अवगत कराया था कि यहाँ पे आने जाने वाले विद्यार्थी, वाहन, यात्री और जनहित को बहुत ही परेशानी हो रही थी। इसके लिए हमने एक विद्यार्थी परिषद से लेटर लिखा, जिसका आज PWD में प्रधान जी ने अवगत करा करके आज JCB भेज करके इस समस्या का समाधान किया है, जिसके लिए मैं प्रधान साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से हमारी जो समस्या है वह निराकरण करते रहें। धन्यवाद।